आज इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पे हमारे देश को और हमारे देश की जो जनता है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? भारतीय के साथ रहना चाहिए, ठीक है, अलग बात है, ठीक है, मिल के रहे तो बेटर रहेगा कि आप एक साथ रहेंगे, फ्रेंडशिप होगा, ठीक है, अगर भेद हो एक चीज़ होगा फिर तो वो कि अदर वो चीज़ें कास्टिंग से समझ आ रहा है, अलग हो तो ये हो वो हो, आज के समाज में इंट्रो दे दीजिए। मैं सौरभ शुक्ला एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन से हूँ और प्रथम बैच का विद्यार्थी रहा हूँ। घोषणा करें, ठीक है, उनका धन्यवाद, आभार प्रदर्शन करा था हमर ए माध्यम ए से हम आभार प्रदर्शन करा था, ये दरिया है दरिया है ना, तो यहाँ आज में स्वतंत्रता दिवस है और एक साल बाद है ना छत्तीसगढ़ महतारी जब भारत माँ बेटी है, ठीक है, ओखर मांग रही कई साल कि छत्तीसगढ़ी में सरकारी कामकाज माध्यम बने पढ़े लिखे की वो चीज़ है ना अच्छा ढंग से नहीं हुआ, जिस कम से कम मुख्यमंत्री जी है श्री भूपेश बघेल जी है आज ये घोषणा करे तो उनका आभार प्रदर्शन करे। आपने जैसे कि एक चीज़ कही कि आज़ादी का दिवस है और पहले भी कुछ विचारधारा रही फिर देश आज़ाद हुआ, बहुत सी चीज़ें हुई, मेरा एक सवाल है सर कि आज जब देश आज़ाद हुआ तब कई स्वतंत्रता सेनानी थे और उन स्वतंत्रता सेनानियों को आज राजनीतिज्ञ जो हैं वो राजनीतिज्ञ अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को जो कि वाकई अपनी जान की कुर्बानी दी है, तो दोनों तरफ के नैरेटिव बनते हैं, एक तरफ है भगत सिंह एक तरफ है वीर सावरकर, तो आज की जनरेशन को आप किससे ज़्यादा इंस्पायर या किससे ज़्यादा किसकी तरफ उनकी उनका झुकाव विचारधारा का झुकाव होना चाहिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कैसे? गरम दल नरम दल वाला है ना, युवा है तो गरम रहे, गरम शरीर से है, दिमाग से है, ऊर्जावान है, सब कुछ ठीक, लेकिन सही प्लेटफॉर्म में चला था ना, तो सही चीज़ चले, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्धार हो, ये आज के छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ का युवा मन चाहते हैं। लेकिन हमारा जो देश है हिंदुस्तान इंडिया भारत जो भी इसे नाम दिया जाता है, इस देश में हर अलग अलग प्रांत अलग अलग क्षेत्र हैं, सबकी भाषा है, लेकिन जब देश की बात होती है तो आपको नहीं लगता कि एज अ हिंदी देश को संबोधित करते हुए जब हम देश जब हम क्षेत्र संबोधित कर रहे हैं तब तो हम अपनी क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करें, लेकिन जब हम देश के किसी मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं तो हमारी भाषा क्या होनी चाहिए? देश की बात होती है तो देश की बात में बात में यही है कि भारत में भारतीय हो, भारत की भाषा तो आप हिंदी में चीज़ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आज आप देखो कितने भी सरकारी कार्यालय हैं, ठीक है, पहले से सभी हिंदी में भाई वहाँ पे आप कुछ भी जाओ तो हिंदी में काम होता है, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में मैं हूँ रीजनल, ठीक है, और भारत की बात करते हैं तो मैं भारत की हिंदी मातृभाषा है, वहाँ फिर मैं बाहर भी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री देख लीजिए बाहर में भी कहीं जाते हैं है ना, तो वो जाते हैं तो उनका जो कर्तव्य रहता है कुछ भी भाषण रहता है किसी भी विषय पर वो हिंदी में जाते हैं तो वो इंग्लिश में दे सकते हैं, वो तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, हाँ। तो इंग्लिश में अपना बात रख सकते हैं वहाँ पे, हाँ। क्योंकि वो तो भारत से बाहर निकल के बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो हिंदी में क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो तो हमें अपनी मातृभाषा को पूरी दुनिया में बताना है ना, हाँ। तो हम अभी कहाँ रह रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, अच्छा। भारत देश है ना? जी, बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है, लेकिन पूरे भारत माता के दर्जा दिया गया उसकी एकमात्र बेटी है वो छत्तीसगढ़, हम उसकी आवाज को लेके उसकी मांग को लेके आगे आगे।
मैं डॉक्टर आर के सुद्दे हूँ, हेल्थ का अफसर रहा हूँ, रिटायर हूँ। सर देखिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि आज की जनरेशन में बहुत हर जगह पॉलिटिक्स को देखते हैं हमने डेली लाइफ, तो सर आज लोग मीडिया के साथ क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी एज अ फ्रीडम फाइटर आज की जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन बना, क्योंकि नाम तो दोनों तरफ भगत सिंह या सावरकर। आज की तारीख पर देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, आपको चूज करना है वीर सावरकर, स्वातंत्र वीर सावरकर या सरदार भगत सिंह। देखिए, सरदार भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूला, और आप हिस्ट्री यदि पढ़ते हैं तो सावरकर ने अंत में जो जेल में रहते हुए माफीनामा मांगा, वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। तो जो आदमी माफीनामा मांगता है, आप क्या उसके पक्षधर हैं? मैं कहता हूँ कि सावरकर ब्रिटेन में पढ़ा, वह भी पढ़ा, वो हिस्ट्री आप देखेंगे तो सावरकर ने भी फ्रीडम फाइटिंग के लिए फाइट किया था, फ्रीडम फाइटर के लिए इंडिया हाउस ब्रिटेन में फाइट किया। लेकिन जब उसको, जब वो वहाँ थे हनुमान जेल में थे, तब उन्होंने माफीनामा मांगा। तो आप, मैं जनता से और आपको कहता हूँ, व्यूअर को, कि आप तौलिए वो आदमी जो देश के लिए, और देश के लिए जो जान कुर्बान करता है, वो उससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं, उससे बड़ा कोई फ्रीडम फाइटर नहीं, उससे बड़ा कोई और व्यक्तित्व तो नहीं। हम सब लोग स्वीकार करते हैं सरदार भगत सिंह को, पूरी कौम स्वीकार करती है, पूरा भारत स्वीकार करता है कि वो देश के सर्वमान्य शहीद और देशभक्त थे। पे वो आप चर्चा करेंगे और बाबा साहब के योगदान के बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ पे।